सो गाइस आप वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माने भंजंग। तो हम लोग कल यहाँ पे माने भंजंग पे स्टे किए थे। ये है माने भंजंग का क्या बोलते हैं मेन जो प्रॉपर टाउनशिप एरिया बाजार एरिया जो भी बोल सकते हैं। तो हम लोग इस होटल पे रुके थे। एक छोटा वाला रूम है। अभी रूम का हाल बहुत मेसी है। हम लोगों का अभी गाड़ी बुक हो चुका है और हम लोगों ने संदकफू में स्टे भी ले लिया है। तो वो भी बुक कर लिया है हमने पहले यहीं से। तो प्रोसेस क्या है बुकिंग का मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। मैं आपको वो ऑफिस भी दिखा दूँगा कि कहाँ पे वो आप बुकिंग कर सकते हैं। वो जो नीचे जो ब्लू कलर का जो छोटा सा रूम है वहाँ से गाड़ी बुक होता है। और क्या टैरिफ है गाड़ी का अगर आपको खाली संदकफू जाना है और वहाँ से रिटर्न आना है तो उसका क्या टैरिफ है। अगर उससे पहले का कुछ स्टॉप है जैसे तोंगलू हो गया तुमलिंग हो गया तो उसका भी अलग से टैरिफ है। और अगर आप गाड़ी लेके स्टे करते हैं तो उसका अलग टैरिफ है। तो वो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा एक स्क्रीनशॉट लगा के वो आप चेक कर लेना। निकलने के लिए हम लोग अभी रेडी हैं तो चलो। सो संदकफू जाने के लिए ऐसे पहले अगर नाइट स्टे करना है तो आपको ऐसे होटल बुक करना पड़ेगा। होटल नमो बुद्धा। और ऐसे आपको गाड़ी भी बुक करना पड़ेगा और ऐसा फॉर्म भी फिलअप करना पड़ेगा। हम लोग को शायद रेंज रोवर नहीं मिला है। हम लोग किसी एक बोलेरो से जाएंगे। तो ये रहा सब डेस्टिनेशन का प्राइस चार्ट। आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो। सो गाइस यही है संदकफू में अगर आपको स्टे करना है तो इसी ऑफिस से आप लोगों को होटल बुक करना पड़ेगा। हम जिस होटल पे ठहरे थे उसी में ये ऑफिस सिचुएटेड है तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुआ। ये रहा संदकफू का मैप। हम लोग अभी है यहाँ पे 6325 फीट पे। सो यहाँ से होके हम यहाँ तोंगलू तुमलिंग ये क्या है जौबारी एक बहुत सारा काला पोखरी काल पोखरी ये सब होके हम लोग यहाँ जाएंगे 11930 फीट पे संदकफू। वी आर ऑल सेट टू लीव। बैग में पैक कर लिया। हम लोग का गाड़ी नीचे रेडी है। एक्चुअली हम लोग को रेंज ओवर नहीं मिला क्योंकि सुबह इतना रश था ना। इतना जल्दी उठ के बुकिंग करने के बाद भी हम लोग को रेंज ओवर नहीं मिला तो हम लोग को मिला है बोलेरो। बोलेरो में थोड़ा कम्फर्टेबल राइड होगा। तो चलो देखते हैं आगे आगे आप लोग के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो यही है माने भंजंग का प्रॉपर बाज़ार एरिया या टैक्सी स्टैंड जो भी आप कह लो। और यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा लाइक आपको रहने के लिए होटल खाने के लिए रेस्टोरेंट। और यहीं पे द होटल एक्सोटिका में हम लोग रुके थे और इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में है टूरिस्ट असिस्टेंस बूथ जो आपको दिखाई दे रहा है। और इसी असिस्टेंस बूथ से आपको संदकफू जाने के लिए होटल प्री बुक करना पड़ता है। और इसी बिल्डिंग के ठीक सामने है संदकफू लैंड रोवर ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जहाँ से आपको गाड़ी बुक करना पड़ता है। हाँ यहाँ पे एक चीज़ है कि आप गाड़ी खुद से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके टर्न में जो गाड़ी आएगा आपको वही गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। तो हम लोगों को मिला है ये बोलेरो। तो यही बोलेरो है हम लोगों का आज का जर्नी का कंपेनियन। सो वी आर ऑल सेट टू लीव। गाड़ी हम लोग का हो चुका है रेडी और हम लोग निकल रहे हैं माने भंजंग से। हम लोगों का जर्नी बस शुरू ही हुआ था और हम लोगों को रोक दिया गया सिंगाइला फॉरेस्ट ऑफिस के सामने। अभी फॉरेस्ट ऑफिस का जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब कंप्लीट करने के बाद ही हम लोगों का जर्नी फिर से स्टार्ट होगा। सो ये रहा संदकफू जाने का रास्ता। यहाँ से 31 किलोमीटर है। और संदकफू जाने से पहले यहाँ पे सिंगाइला नेशनल पार्क का टिकट लेना पड़ता है। तो हम लोग अभी हैं सिंगाइला का फॉरेस्ट ऑफिस में और यहाँ पे लेना पड़ता है पास अगर आप संदकफू जा रहे हैं। तो संदकफू जाने के लिए डायरेक्ट पास मिलता है पर पर्सन के हिसाब से 200 रुपीज़ पर पर्सन एंड गाड़ी का 480 अलग से लेना पड़ता है। तो यार इट्स एक्सपेंसिव भैया। एक तो गाड़ी 7000 का ऊपर से रूम का अलग रूम का पर पर्सन के 1700 रुपये करके हिसाब से मिला है हम लोगों को। यानी तीन जन का हो गया 5100 फॉर वन नाइट स्टे।
और हम लोगों का किस्मत अच्छा था कि हम लोगों को फिर भी थोड़ा सस्ता मिला, लेकिन अभी तो 2200 के ऊपर हो गया है प्राइस हर जगह पे। पैसा दो तो चलो अभी अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से ही एकदम पूरा पूरा चढ़ाई है। नो मर्सी, नो मर्सी। भैया पूरा रखते ही ऐसा है ना, ये तो अच्छा है फिर भी। अब हम लोग चढ़ना स्टार्ट किया है माने भंजन से ऑन द वे टू संदकपुर, और ये चढ़ाई देखिए क्या चढ़ाई है। इट्स रियली टफ टेरेन। ये कैमरा में ना एक्चुअली पता नहीं चल रहा है ये रास्ता का चढ़ाई क्या है, बट इट्स रियली टफ। ड्राइवर दादू फट रहा है, ठंड से फट रहा है, ऊपर से रास्ता देख के भी फट रहा है, फूट रहा है, बर्फ कैसा पड़ता है वही ना। सो राइट नाउ वी आर हियर इन चित्रे, और यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है, यहाँ पे थोड़ा फोटो वोटो वीडियो लेने के लिए हम लोग रुके हैं, लेकिन इतना आने में बैंड फंस गया भाई। जो रोड का हाल है ना, ओ गॉड, वो देखिए रोड, बट व्हाट एन ऑसम व्यू मैन। अगर कोई अपना गाड़ी से आता है तो उन्हें माने भंजन में स्टे करने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट चित्रे आ जाओ गाड़ी लेके, अगर आप स्किल्ड हो गाड़ी चलाने के लायक हो इस रोड चला लेगा। रोड तो ठीक था, रोड बट एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, पहाड़ में चलाने लायक आदमी होना पड़ेगा। रोड बहुत नैरो है और बहुत स्टीप है, और टर्न्स जो है बहुत मतलब हेयर पिन बेंड्स है, मतलब बहुत वे टू रिस्की है। और यहाँ पे थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट है, अच्छा एनवायरनमेंट है, तो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये रहा इन लोगों का कार्ड, हॉक्स नेस्ट, मैं एक फोटो डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, डाल देना अगर आपको आना है तो आप इसमें कॉल करके आ जाना, लिंक भी डाल दें। क्या टैरिफ है? 1200 पर पर्सन, 1200 पर पर्सन फॉर वन नाइट। लंच भी इंक्लूड है क्या? हाँ, तो 1200 में आपको लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब मिल जाएगा। अब आए चित्रे माने भंजन बिना रोक के, आप आए चित्रे, आप यहाँ पे रात को रुके और सुबह जैसे आपका नींद खुलता है और आप खिड़की खोलते हो आपको मिलता है ऐसा वाला व्यू, तो सोचो दिन का क्या बढ़िया शुरुआत होगा। मजा आ गया देख के सच में। क्या फूल है भैया, ये क्या फूल है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बुक की फूल दुबला सा बाइसन है। सो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए हैं मेघमा, और क्या व्यू है भाई साहब, दिल पूरा खुश हो गया मेरा भैया। अभी अभी कांड हो जाता मेरा गोप्रो यहीं पे छूट जाता, ये मेरे पीछे येलो लैंड रोवर खड़ा है, और ये पीछे है बॉर्डर, बॉर्डर लाइन इंडिया और नेपाल का। तो ये है बॉर्डर, यही से हाँ, ये इंडिया है, वो नेपाल है, इंडिया नेपाल बॉर्डर। And what an amazing view, man. Awesome. सो गाइज हम लोग अभी पहुंच गए हैं तोंगलू में, ये मेरे पीछे है तोंगलू का लेक, आप देख सकते हैं
मेरा कब का सपना था कि मैं तोंगलो आऊंगा यार, लेकिन हो नहीं पाया। आज फाइनली जाके वो मेरा सपना पूरा हो रहा है और फाइनली मैं संदकफू जा रहा हूँ। मेरा बट 3 से 4 साल का मेरा सपना था संदकफू जाने का, तोंगलू आने का। बट मुझे पहले पता नहीं था कि तोंगलू में हम लोग ऐसे बाइक लेके नहीं आ सकते हैं। सो ऑल द बाइकर्स, बैड न्यूज़ फॉर यू कि आप लोग बाइक लेके तोंगलू संदकफू नहीं आ सकते हैं। आ सकते हो लेकिन वो नेपाल होके, इंडिया होके तो आप नहीं आ सकते हो। आप बाइक लेके या गाड़ी लेके मानेभंजंग तक आ सकते हो, और अगर आपके पास 4x4 व्हीकल हो तो आप सेल्फ ड्राइव करके जा सकते हो। तोंगलू पे भी एक होम स्टे है, शायद ये होम स्टे ही होगा। आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो लोकल से थोड़ा पूछ के थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बाद में वीडियो के एंड में। ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी तुमलिंग, सारा होटल वगैरह क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सिंगालीला नेशनल पार्क के बीचों बीच, और यहाँ पे जनरली बिना गाइड के आदमी आ नहीं सकता। अगर आप ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं तो आपको गाइड लेना ज़रूरी है। ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस या बंगलो, कुछ भी बोलिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये है, यहाँ पे पांडा को देखभाल किया जाता है। तो हम लोग अभी है गरीबास में ना। हाँ, यस, दिस इज गरीबास। गरीबास, गरीबास में हम लोग चाय पी रहे हैं। हाँ। और ये जहाँ पे जिस ये धरती होटल, ये धरती जो है, कैसे बोलिए, हाँ, ये है नेपाल, नेपाल में। तो हम लोग नेपाल में बैठ के चाय का चुस्की ले रहे हैं, और हम लोग का ये जो गाड़ी है ये इंडिया में खड़ा है। तो ये क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेस बॉर्डर। हाँ, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। कितना कितना शांति है देखो। भैया बोल रहे हैं कि इसके बाद कोई रोड नहीं है। नहीं, मतलब टर्मैक रोड तो छोड़ो, ढलाई रोड तो छोड़ो, इसके बाद पूरा ही टूटा फूटा होगा। पूरा टूटा फूटा, बड़ा बड़ा पत्थर सब मिलेगा, मतलब फोर व्हील ड्राइव वाला रास्ता है। अभी तक जैसे आए उसमें ही बैंड बज गया, ऐसे ऐसे पूरा मोशन में आए। अभी पता नहीं कितना मोशन और होगा। तो चलो एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी फर्स्ट टाइम, मजा ही आएगा आपको। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो है कुछ भी हो, वोटर कार्ड हो आधार कार्ड हो, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि हर चेक पोस्ट में वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ग्रुप में आते हैं तो एक जन का होने से ही इनफ है, लेकिन वो गाड़ी बुक करते टाइम शायद तीनों का ही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो माने भंजंग में रिकॉर्ड है, एक डॉक्यूमेंट जमा होगा, और बस रास्ते भर सिर्फ एक आदमी का डॉक्यूमेंट देते रहना पड़ेगा। दैट इज जनरली वो इसलिए करते हैं ताकि पता चले कि ये ग्रुप सेफली यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ पर एंट्री हो गया है। दिस इज ओनली बिकॉज़ सेफ्टी पर्पस। यस, दिस इज फॉर सेफ्टी पर्पस। हर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर में एक ना एक जगह SSB का बूथ बना रहता है, वहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ता है कि आपका ग्रुप यहाँ पे सेफली आ गया। और क्योंकि बीच में यहाँ पे सिंगालीला का जंगल भी है, तो जंगल में जंगली जानवर हो सकता है, तो उसका भी एक रिस्क रहता है, लेपर्ड वगैरह हो सकता है। तो इसी ये सेफ रीजन के वजह से ये सब है। तो घबराना नहीं है, लाओ प्रॉपरली डॉक्यूमेंट और घूमो। Meanwhile, oh shit! नहीं नहीं भाई, बराबर ऐसे मारता हूँ। अब यहाँ से रास्ता बहुत ख़राब है, 1 किलोमीटर के बाद रास्ता होगा ही नहीं, कहीं कहीं पे तो बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा आएगा, तो इसलिए यहाँ पे अब दाजू फोर व्हील इंगेज करेंगे। अब ये फोर व्हील इंगेज हो गया गाड़ी का। फोर लो पे है कि फोर हाई पे? फोर लो भैया, फोर हाई इंगेज हो गया है। 1 किलोमीटर तक बढ़िया रास्ता है, उसके बाद बहुत ही खराब रास्ता।
ये रास्ते में एक गांव पड़ता है छोटा सा, क्या नाम है इस गांव का? कैया कट्टा नाम भी वैसा ही है, कैया कट्टा। यहाँ पे होम स्टेज वगैरह है, ऊपर बना रहे वो बने। ये नया रास्ता बन रहा होगा शायद संदकपू जाने के लिए, न्यू रोड। इसी का है रोड, है सीधा पीडब्ल्यू का, ये फॉरेस्ट का है। तो वो भी तो वहीं जाएगा ना जहाँ हम लोग जा रहे हैं। कालपोखरे मिलेगा दोगा। हाँ, ये दोनों रास्ता कालपोखरे ही मिलेंगे। काम चल रहा है ऊपर का, वो अभी रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ है, नया रास्ता है। कालपोखरी पहुंचने वाले हैं। कालपोखरी या काला पोखरी? कालपोखरी, कालो कालो पोखरी हो, कालो पोखरी। कालपोखरी आधा नेपाल आधा इंडिया में पड़ता है। नेपाल में इसको कालो पोखरी बोलते हैं। पोखरी का मतलब लेक, नेपाली में लेक को पोखरी बोलते हैं। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं कालपोखरी या कालो पोखरी ऐसा ही कुछ बोलता है, इंडिया नेपाल बॉर्डर। एंड क्या बताओ यार, इतना मेसमराइजिंग व्यू आ रहा है ना, जस्ट क्या बताओ, जस्ट लुक। यहाँ पे एक लेक भी है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब आई एम जस्ट स्पेल बाउंड कि मैं क्या बताऊँ, मुझे वर्ड्स ही नहीं आ रहे कुछ। तो अभी है हम कालपोखरी में और अभी हम नेपाल में फंस रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक और फिर से टिकट करवाना पड़ेगा। यार कितना टिकट करना पड़ेगा यार, इतना सारा चेक पोस्ट, इतना सारा टिकट। ये देखो ऐसा रोड है, पूरा ऐसे ही रोड है, ऐसे ही रोड से हम अब तक आ रहे थे और ऐसे ही रोड में हम जाएंगे। ये है नेपाल का रास्ता, कालपोखरी के बाद हम लोग घुस गए हैं नेपाल और नेपाल में ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग। और नेपाल एंटर करने से पर हेड 50 रुपीज़ फीस लगता है जो नेपाली गवर्नमेंट उठा रहे हैं। और ये है उनका बढ़िया सा रोड, अहो क्या अच्छा रोड है, ऐसा रोड में तो रोज चलता हूँ मैं। हम लोग का गाड़ी अभी यहाँ पे रुका है थोड़ी देर के लिए, ये जगह का नाम है चौरी चौक इलाम नेपाल। सो हम लोग लिटरली अभी नेपाल में हैं और यहाँ से हम लोग देसी मुर्गी ले रहे हैं, वो भी जिंदा जिंदा काट के लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर संदकपू में शायद क्या बोल रहे हैं देसी मुर्गी नहीं मिलेगा। सो देसी चिकन हम लोग यहीं से लेके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा दुनिया से डिटैच हो चुके हैं हम, कितना अजीब होगा ना इन लोगों का ज़िंदगी। यहाँ पे कोई हलचल नहीं है, एकदम शांत ऐसे हिल रहे हैं हम लोग। ओह गॉड, मतलब सही से बैठ भी नहीं पा रहे, ऐसे हिला रहे हैं। नहीं हो गया यार, वीडियो नहीं हो पाएगा आपसे, पढ़ो। ओह गॉड, आराम से अपना मुंडी सवाल के। सो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए हैं संदकपू और ये पीछे है होटल नमो बुद्धा, ये हमारा स्टे है आज। ये हम लोग अभी लंच वंच किया और लंच वंच करने के बाद यहाँ पे ये दोनों भाई साहब विश्वजीत और विकास भैया वॉलीबॉल खेलने में लग गए। हमें तो भाई दर्द होता है वॉलीबॉल खेलने से, इसलिए हम नहीं खेल रहे हैं। तो यार थोड़ा बहुत ये लोग गर्म हो लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। बस यही है संदकपू, आगे और कुछ मिला तो मैं आप लोगों को वो अपडेट ज़रूर देते रहूँगा। और ये साइड इंडिया है, वो साइड नेपाल है।
और यहाँ पे बहुत सारा होमस्टे है। सो आप लोग अगर संदकफू आते हो और आप लोग का स्टे का प्लान है तो बेटर आप लोग माने भंजंग में ही सब कुछ बुकिंग करवा लीजिए, वही अच्छा होता है, नहीं तो यहाँ पे आके बुकिंग करना थोड़ा रिस्की है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम संदकफू। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 7:30 और हम लोग अभी निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। और इससे पहले हम लोग देखने आए थे ये हिमालयन रेंज और ये कांचनजंगा रेंज जो क्लियर दिख रहा है, और धूप बहुत कड़क है तो मैं आँख ही नहीं खोल पा रहा हूँ। सो ठंड के मारे पूरा रात सबका हाल बेहाल हो चुका है, सब बीमार पड़ चुके हैं। तो अभी कैसे जैसे उठे और वही सेम ड्रेस सेम कॉस्ट्यूम में हम लोग हैं और अभी निकलना है। सो एक बहुत बढ़िया सा व्यू था, ये कैप्चर कर लिया, अभी आगे देखते हैं होता है क्या। सो हम लोग का गाड़ी आ चुका है, हम लोग अभी निकलेंगे इधर से, तो चलो चलते मिलते हैं रास्ते पे। हम लोग का जो ड्राइवर भाई साहब है ये हमको अभी ले जा रहा है इंडिया वाला रूट से, और ये इंडिया वाला रूट भी जाकर टच होता है कालपोखरी में, क्योंकि इस रोड का हाल अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कई कई जगह पर रास्ता पूरा धो गया है, लूज पत्थर लूज ग्रेवल्स, इसी वजह से इस रोड पर आवाजाही मेनली बंद है। लेकिन हम लोग का जो ड्राइवर भाई साहब थे इनको हमें ये रास्ता भी दिखाना था, तो इन्होंने हमको ये रास्ता लेके आए और हम भी उनके साथ अपना जान हथेली पे लेके इस एडवेंचरस बम्पी राइड का मज़ा लेते हुए सेफ एंड साउंड पहुंच गए माने भंजंग। सो हेलो गाइस, हम लोग अभी हैं माने भंजंग में, हम लोगों का संदकफू ट्रिप ओवर। बहुत मशक्कत के बाद हम लोग धरती पे उतरे हैं। थोड़ी देर पहले तो स्वर्ग में थे, अभी धरती पे उतरे, थोड़ा मोशन सिकनेस टाइप हो रहा है और थोड़ा भूख भी लग रहा है। और ये है भैया का गाड़ी, चमकते हुए गंदा गाड़ी। राम प्यारी यहाँ पर रखा हुआ पूरा गंदा। ओके वीडियो खत्म कर दे यही पे। तो चलो दोस्तों, वीडियो तो बहुत लंबा होगा मेरे को पता ही है। चलो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय, और फुल वीडियो देखना नेक्स्ट ट्रिप इन द नेक्स्ट ट्रिप। अरे ऐसे नहीं, आराम से खत्म करना चाहिए ना। चलो तो इस नोट पे इस वीडियो को करते हैं यही पे खत्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, नेक्स्ट किसी और एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, बाय बाय।